यूपी दिवस को मनाए जाने की खास तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा। वहीं नोएडा के नोएडा शिल्प ग्राम में जिला स्तरीय आयोजन प्रदेश के अन्य सभी जिला मुख्यालयों में किया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023 के यूपी दिवस आयोजन की मुख्य थीम निवेश एवं रोजगार है। इसी थीम पर आधारित संगोष्ठियां, रोड शो, उद्यमी सम्मेलन जैसे कार्यक्रम प्रमुखता से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। निवेश एवं रोजगार के इस आयोजन में डिजिटल यूपी, साइबर सुरक्षा व उन्नत प्राकृतिक कृषि विषयों पर प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। मुख्य सचिव द्वारा शुक्रवार को आगामी 24 से 26 जनवरी की अवधि में यूपी दिवस 2023 के समारोह को आयोजित किए जाने के संबंध में जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस 24 जनवरी को त्रिदिवसीय आयोजन वर्ष 2018 से निरंतर किया जा रहा है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश दिवस का गरिमामय आयोजन लोगों के सहभागिता के साथ किए जाने का निर्णय लिया गया है। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के लिए सभी विभाग के नोडल अधिकारी उपस्थित होंगे। यूपी दिवस समारोह में नवीन कृषि तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी के अतिरिक्त मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर उद्यमियों एवं व्यवसायियों व स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय हस्तशिल्प एवं ग्राम उद्योग मेला संबंधित विभागों के माध्यम से लगाया जाएगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थापना से लेकर अब तक की विकास यात्रा से संबंधित अभिलेखों की प्रदर्शनी सभी कार्यक्रम स्थलों पर किया जाएगा। लाभार्थी परक योजनाओं के अंतर्गत टूल किट, लाभार्थी कार्ड, छात्रवृत्ति आदि का सामूहिक वितरण के साथ साथ कल्याणकारी योजनाओं पर सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। 3 दिवस की इस कार्यक्रम में 25 जनवरी को कार्यक्रम स्थलों पर राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता आदि के आयोजन सुनिश्चित किए गए हैं, जिनको G20 तथा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के विषयों से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ खेल विभाग द्वारा ग्रामीण स्तर के खेलों जैसे खो खो, कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, दौड़ इत्यादि द्वारा खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा।